आप सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं इंसान की जो सफलता है, जो कामयाबी है, 85% जो सफलता है एक व्यक्ति की उसके नजरिए से मिलती है, उसके दृष्टिकोण से मिलती है। जब तक आपका नजरिया सकारात्मक नहीं होगा आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार एक व्यक्ति की जो कामयाबी है, जो तरक्की यानी जो सफलता है, 85% सफलता उसके दृष्टिकोण से मिलती है। बाकी 15% जो है आप पढ़ाई करके एजुकेशन लेकर इससे हो सकता है, और बाकी जितना भी पैसा आप खर्च करते हैं इन्हीं 15% एजुकेशन सिस्टम को लेने के लिए आप पूरा पैसा लगाते हैं। लेकिन 85% जो सफलता है ऑलरेडी पहले से आपके अंदर मौजूद है। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, हर सिचुएशन को आप दो नजरिए से देख सकते हैं। पहला आप पॉजिटिव नजरिए से, दूसरा आप नेगेटिव नजरिए से। अगर आपकी नजरिया पॉजिटिव है तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। तो आपका नजरिया हर हाल में बड़ी सी बड़ी समस्या को आप हमेशा सकारात्मक नजरिए से देखें। आपको जानकर हैरानी होगी 1914 ईस्वी में जब थॉमस अल्वा एडिसन के फैक्ट्री में आग लगी, उनके आंखों के सामने उनकी फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर राख हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई। और आपको जानकर हैरानी होगी उस समय थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बात बोला था, उन्होंने जो बात बोला वो वाकई में बड़ा दिलचस्प बात था। थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला कि अच्छा हुआ ये फैक्ट्री जो जल गई, इस फैक्ट्री में हमने जो भी गलतियां की थी वो गलतियां भी इसी फैक्ट्री के साथ जलकर तबाह हो गई। अच्छा हुआ अब एक नए तरीके से, नए सिरे से हम शुरुआत करेंगे। और ठीक 3 हफ्ते बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। और आप देखिए थॉमस अल्वा एडिसन क्या है। तो आपकी हर सिचुएशन में, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम में आपकी जो नजरिया होनी चाहिए, जो आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, वो पूरी तरीके से सकारात्मक यानी पॉजिटिव होना चाहिए। जब आपका पॉजिटिव नजरिया होगा तभी जाकर आपको सफलता मिलने वाली है।